गांव में एक पीटर रहता था। खेतों के बगल में उसकी एक बहन थी, उसके अलावा कोई नहीं था। एक दिन उसका मन किया कि जाके राजा को बेवकूफ बना के कुछ पैसे कमाया जाए। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं पीटर हूँ, आपको बेवकूफ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, बेवकूफ बनाओ मुझे। लेकिन महाराज, बेवकूफ बनाने वाला सामान मेरे घर पे है, घर मेरा बहुत दूर है। ठीक है, मेरा घोड़ा लेके जाओ। ठीक है महाराज। महाराज, इतने समय हो गए लेकिन पीटर वापस नहीं आया। हाँ, बहुत चालाक है वो, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, पहरी, मेरा घोड़ा निकालो। उसके बाद घोड़े पे चढ़कर राजा चला गया पीटर के तलाश में। ढूंढते ढूंढते राजा पहुंचा पीटर के घर पे। पता है बहन, आज राजा का घोड़ा बेचकर बहुत इनकम हुआ है, उसी से मुर्गा लेके आया हूँ, आज पेट भर खाएंगे। भैया, सर्वनाश हो गया, राजा हमारे घर की तरफ ही आ रहे हैं। सच में? एक आइडिया आया है, सुन मेरी बात। आप मत चिंता कीजिए भैया, मैं सारा बंदोबस्त कर लूंगी। धोखेबाज, क्या कर रहा है तू? जी, चावल पका रहा हूँ। चावल बना रहा है तो चूल्हा कहाँ है? ये तो एक टूटा हुआ सिलबट्टा है। जी, हम लोग बहुत गरीब है, लकड़ी कहाँ से खरीदेंगे, इसीलिए एक सन्यासी ने मुझे ये सिलबट्टा दिया है। दो मंत्र सिखाए हैं, उसी से पकता है। ये सिल मुझे दे दे तो फिर मैं तेरा घोड़ा चुराया हुआ अपराध माफ कर दूँ। महाराज, मैं गरीब इंसान हूँ, आप सिल ले लेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? दया कीजिए महाराज। ठीक है, रोना धोना अब बंद करो। ये ले। क्या मैं बोलूँ महाराज, जब अपमान नहीं रहे हैं तो ये लीजिए सिल और सीख लीजिए मंत्र। मंत्र बताओ। ओम ह्रीं क्रीं 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 समुदाय नमः। काली जादू बली सिल से मैं पुलाव पकाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। ओम ह्रीं क्रीं 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 ओम समुदाय स्वाहा। ये क्या महाराज, देखते ही देखते 3 घंटा बीत गए, पुलाव पकना तो दूर की बात है, अभी तक पानी भी गर्म नहीं हुआ। महाराज, पीटर फिर से आपको बेवकूफ बनाया। बार बार मुझे बेवकूफ बनाता है, सजा मिलेगा सेनापति। आदेश महाराज। पीटर को जाके एक लकड़ी के डब्बे में उसे बंद कर दो और उसे ऊंचे पहाड़ पे ले जाओ। 3 दिन उसे वैसा ही रखना, भूखे मारे। जब वो छक पटाएगा तब उसे समुंदर में फेंक देना। राजा की बातों के अनुसार वैसा ही हुआ, लेकिन भगवान जिसे ना मारना चाहे तो उसे इंसान क्या मारेंगे। वैसे ही पीटर के साथ हुआ, बक्से से बाहर निकलने के लिए जोर जोर से गाना गाने लगा।
जो स्वर्ग जाना चाहता है वो इस बक्से को खोलो 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 खोलो। जो स्वर्ग जाना चाहता है वो इस बक्से को खोलो खोलो खोलो। भक्त एक विदेशी बनिया वहां से जा रहा था, पीटर की आवाज सुनकर उसे बाहर निकाला और उससे कहा, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ इसीलिए इस बक्से में बैठा हूँ, आज रात में देवदूत आके मुझे स्वर्ग ले जाएंगे। बेटा मैं 100 साल का बूढ़ा हूँ, स्वर्ग जाना चाहता हूँ लेकिन मेरी मौत नहीं होती, तुम तो अभी जवान हो, तुम क्यों मरना चाहते हो, मेरा जायदाद ले लो बदले में मुझे जाने दो। पीटर उस बूढ़े व्यक्ति की बात मान गया, जाके बक्से में बैठ गया बूढ़ा। रात के अंधेरे में राजा के सैनिक उस बक्से को समुंदर में फेंक दिए उस बूढ़े बनिया के संपत्ति से। पीटर और उसकी बहन राजा रानियों जैसे रहने लगे और राजा स्वयं उन लोगों की इज्जत करने लगा।